खरगोन में प्रदेश की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता अर्चना चिटनिस ने किसान कानूनों को लेकर बड़ा बयान दिया है। चिटनिस का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरे हुए लोग किसानों के हित में बने तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के हित में बयानबाजी करने वाले शरद पवार और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अपने बयानों से पलट रहे हैं। अर्चना चिटनिस ने फिर से किसानों के हित में बयानबाजी करने वाले शरद पवार और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल अपने बयानों से पलट रहे हैं। अर्चना चिटनिस ने शरद पवार और कपिल सिब्बल पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री का मानना है कि खालिस्तान की बात करने वाले केंद्र सरकार के तीनों किसान कानून का विरोध कर रहे हैं। भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा के किसान कानूनों के समर्थन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान अर्चना चिटनिस ने नरेंद्र मोदी सरकार के तीनों कानूनों को किसान हितैषी बताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। चलो हमारी ना सुने अपनी बोल दे, हमें नहीं बोलना। अरे आप बता दें, हम क्या सुने और सुधार करें, वो करेंगे। नहीं हमें खुशी कर, यस और नो, ये तो कोई संवाद का तरीका नहीं हुआ। और प्राइस की बढ़ोतरी करी है सरकार ने लगातार। अगर बंद करना होता तो बढ़ोतरी सरकार क्यों करती? ऑर्डिनेंसेस आए, बिल आए, उसमें एक बिल तो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, जिसमें किसान को वो स्वतंत्रता मिली जो आज के समय की मांग है। 3,74,00,00,000 रुपए का गेहूं और धान खरीदा 5 सालों में, 2009 से लेकर 2014 तक। और एनडीए की सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 4,00,00,000 का गेहूं और धान 5 साल में खरीदा, तो जो दुगनी की कीमत का एमएसपी पर गेहूं और धान खरीदने वाली सरकार है, वो किसान के को मजबूत करने वाली सरकार है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के पक्ष में काम करने वाली सरकार। विज्ञान और सरकार के फैसिलिटेशन से, अपने खुद के पराक्रम से, परिश्रम से, सिंचाई की क्षमताएं बढ़ने से, बिजली की उपलब्धता होने से, किसान ने की मेहनत से, पसीने से, जिन जिन चीजों में देश में आत्मनिर्भरता इस कदर कम थी कि बाहर से मंगाया हुआ लाल गेहूं देश खाता था और शास्त्री जी एक दिन का उपवास रखने को कहते। पार्टियां भी और वे लोग भी, जो आपने खुद मीडिया में देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा ये नारा बोल रहा है कि मोदी तेरी कब्र बनेगी, आज नहीं तो कल बनेगी। ये किसान का विषय है? जो खालिस्तान की बात कर रहे हैं वे क्या किसान की बात कर रहे हैं? जो टोरंटो में और कनाडा की राजधानी में और ओटावा में जो बात कर रहे हैं वे क्या किसान के हित की बात कर रहे हैं? ये किसान हितैषी नहीं, ये खुद डरे सहमे लोग हैं। और ये देश के हित को समझते तो हैं, लेकिन मोदी जी के हित में उन्हें लगता है कि किसान का हित और मोदी जी का हित आज एक ही हो गया, इसलिए वो परेशान है। वे शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं। वे खुद कहते थे कि रेगुलेशन बनना चाहिए, किसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, किसान को मंडियों तक में अपना उपज बेचने के लिए बाध्यता नहीं होना चाहिए, आज उसका विरोध कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी स्वयं ये बात करते थे, आज वे उसका विरोध कर रहे हैं। 3 कृषि कानून लाए गए, वे किसानों को स्वतंत्रता देने वाले, अपनी सुविधा और अपनी सुविधा और अपने खुद के बेहतर लाभ अर्जित करने के लिए, निर्णय करने के लिए व्यवस्था देने वाले, मंडी में ही अपना उपज बेचा जाए इस बंधन को समाप्त करने वाले, लाइसेंस राज को समाप्त करते हुए नए लोगों को व्यापार का अवसर देने वाले, ऐसे कानून हैं जो कि प्रोग्रेसिव फार्मिंग की ओर भारत के किसानों को अग्रसर कर रहे हैं। और आपने देखा है कि ये बिल आए, फिर ये कानून बने, लेकिन इतने समय में एक भी मंडी भारतवर्ष में बंद नहीं हुई, एपीएमसी मंडियां चालू रहेंगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम जो किसानों को मिलने वाला
सपोर्ट प्राइस है वो लगातार किसानों को मिलता रहेगा। इस सरकार ने 8 लाख करोड़ का धान और गेहूं पिछले 5 साल के अपने कार्यकाल में खरीदा है, जबकि पिछली सरकार ने उसे आधे से भी कम में अपने बजट का एक्सपेंडिचर किया था। मोदी जी की सरकार ने 114 लाख मेट्रिक टन से अधिक दालें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी हैं, जो कि पिछली सरकार ने मात्र 1.52 लाख मेट्रिक टन दाल ही खरीदी थी। अब 74 गुना दाल जो सरकार MSP पर खरीदती है, वो सरकार MSP के खिलाफ नहीं हो सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जो कहा था कि किसान की आय दुगनी होगी, तो किसान की आय दुगनी करने के लिए समय अनुकूल परिवर्तन और मैं तो कहूँगी बहुप्रतीक्षित परिवर्तन करना अत्यंत आवश्यक था, जो किए गए हैं, और उसको और बेहतर करने के लिए किसानों के हित में उसको और फाइन ट्यून करने की गुंजाइश हो तो लोकतंत्र में और बेहतर करने की गुंजाइश लगातार बनती रह रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।